अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं माहा भट्ट। अहम खबर शामिल करते हैं। ज़िले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, शहर भर में दुकानों में मनी पेट्रोल पंप कायम, ऑयल टैंकर से पेट्रोल मुंतकिल करते आग भड़क उठी, कई रेस्क्यू टीम की बरवक्त कार्रवाई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही मिली भगत से शहर भर में दुकानों में कई मनी पेट्रोल पम्प कायम है। उगोके में ऐसे ही मनी पेट्रोल पंप पर आयल टैंकर से पेट्रोल मुंतकिल करते आग भड़क उठी, रेस्क्यू टीम की बरवक्त कार्रवाई। कई घंटों बाद मुकामी लोगों से मिलकर आग पर काबू पा लिया। मुकामी लोगों का कहना है कि ज़िले इंतजामिया शायद किसी बड़े सानहा की मुंतजिर है, जो मंथली लेकर खामोश तमाशाई बनी हुई है और अवामुन्नास के मालो जान से खेल रहे हैं। इस्लामाबाद से अहम खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में पाक फजाइया का जंगी तैयारा F-16 गिरकर तबाह हो गया, जबकि हादसे में तैयारे का पायलट शहीद हो गया, जिसका पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हो गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद शकरपुरिया के करीब चांदतारा जंगल में तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा गिरने का वाकया शकरपुरिया के मुकाम पर कश्मीर हाईवे के करीब पेश आया है। इत्तला के मुताबिक ये पाक फजाई का एक जंगी तैयारा था। सिक्योरिटी इदारे और पुलिस की बारी नफरी जाए वकूफ पर पहुंच चुके हैं, जबकि हादसे में तैयारे का पायलट शहीद हो गया है, जिसका पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हो गया। इंडियन न्यूज के मुताबिक ये पाक फजाई का लड़ाका तैयारा था, जो रिहर्सल में हिस्सा ले रहा था। ताहम जिस जगह तैयारा गिरा, वहां किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसा चांद तारा चौक नामी मुकाम पर एक जंगल में पेश आया है। हादसे की जगह को सिक्योरिटी अहलकारों ने घेरे में ले रखा है। त्यारे को आग लगी हुई है। त्यारा जंगल में आतिशबाजी का शिकार हुआ है, इसलिए वहां इमदादी सरगर्मियों के लिए बड़ी गाड़ियों की वहां तक रसाई मुश्किल है। अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ग्रीन एंड क्लीन पंजाब का ख्वाब चकनाचूर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो से हरे भरे तनावल पौधे पानी ना मिलने की वजह से गमलों में ही सूख गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ग्रीन एंड क्लीन पंजाब का ख्वाब चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जुही से हरे भरे तनावर पौधे पानी ना मिलने की वजह से गमलों में ही सूख गए हैं। सोशल मीडिया पर खबर नशर होने पर ज़िले इंतजामिया के पानी के टैंकर मौका पर पहुँच गए। मुकामी लोगों का कहना है कि अब क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। शहर इकबाल के समाजी अवामी हलकों ने हकाम बाला और ज़िले इंतजामिया के इंचार्ज DC सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम जुवेरिया मकबूल रंधावा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए गफलत के मरतकब सरकारी अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। अहम खबर शामिल करते हैं। निजी मैरिज हाल में शेख लुत्फुल्ला एडवोकेट की संबड़ियाल बार एसोसिएशन की पुरतकल्लुफ दावत। सदर जाहिद आलम भट्टी, जनरल सेक्रेटरी इरफान यूसुफ मुगल और बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, निजी मैरिज हॉल में शेख लुतफुल्ला एडवोकेट और शेख अताउल्ला की संबड़ियाल बार एसोसिएशन की पुरतकल्लुफ दावत में सदर जाहिद आलम भट्टी और जनरल सेक्रेटरी इरफान यूसुफ मुगल समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। शेख बरादरान की तरफ से बार एसोसिएशन सम्बरियाल के मेंबरान की पुरतकल्लुफ खानों से ज़ियाफ़त की तकरीब से ख़िताब करते हुए हमारे बार के प्लेटफार्म को चंद अनासर, जिनसे शायद अपनी इज्जत संभाली नहीं जाती, वो इस्तेमाल करके लोगों की जायदादें उन पर रात के अंधेरे में शब खून मार रहे हैं, उनको कब्जा करने की कोशिश की, ना उनके पास कोई अदालत का आर्डर, ना कब्जा करने की कोई उनके पास इख्तियार। मैं कहता हूँ कि अगर वो को शेयर भी थे उसमें प्रॉपर्टी में, तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के पास जाते, कोर्ट से उनको आर्डर मिलता, देन वो एक्ट करते। तो मैं उस एक्ट की भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं शेख साहब को यकीन दिलाता हूँ, सदर सेट्टी साहब और दीगर दोस्तों की मौजूदगी में, कि वो नासर बार के प्लेटफॉर्म को किसी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही हम करने देंगे। क्योंकि शेख लुतफुल्ला साहब भी
हमारे बार मेंबर हैं, शेख साहब के बेटे अली जो है वो भी बार मेंबर है, उनका भी उतना ही इस्तेहकाक है जितना उन नासर का, जो अपने आप को पोज कर रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। ऐसे उम्मीदवार जो लोगों की जायदादों पर कब्जा करें, कब्जा करने की कोशिश करें और शब हून मारे, बार कती तौर पर उनको ये इख्तियार नहीं देता और ना ही वो बार की नुमाइंदगी करने के मुस्तक। मैं गुजारिश करूं कि शेख साहिबान जो लोकल हैं, संबड़ेआल के हैं, इनका संबड़ेआल तहसील बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस बरादरी का। मैं कहता हूं कि शेख साहब ये माजी की चट्टाने हैं। मैं एक बंद अर्ज करूं कि खामोश माजी के दरीचों से ज़रा बोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं, बोल के देखो। बहुत देर तलक कानों में यही गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से ज़रा बोल के देखो। हम औस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नज़र आए तो हमें रोल के देखो। ये गलत फहमी है उन नासर की जो कहते हैं कि इक्तदार में हम मौजूद हैं, सदारत हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट की, ये उनकी हामहली। कुदरत के निज़ाम है, कल वो शख्स जो जहाँ तख्त नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। मैं गुजारिश करूँ कि सदर साहब, सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में शेख साहब हम भरपूर आपको यकीन दहानी कराते हैं कि बार का प्लेटफार्म आपका भी उसी तरह है जिस तरह के दूसरे फार्म। कती तौर पर हम इजाज़त नहीं देंगे किसी किस्म के गुंडागर्दी, किसी किस्म की बदमाशी के, हम आपके साथ हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जहाँ गुजारिशात की हैं हम उनकी तहदीद करते हैं, इंशाल्लाह ताला बार का प्लेटफार्म कभी भी ऐसे नासर इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही हम इसको इस्तेमाल होने देंगे। और हम सच के साथ हैं, हक के साथ हैं, और वही बात होगी जो सच है और जो हक है। इसका बार के प्लेटफार्म को कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। और मैं शेख ब्रादरान का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम दावत में मदद किया। बार के प्रेसिडेंट ने अब बात सारी कर दी है और उसके बाद मैं नहीं समझता कि मेरे कुछ कहने की गुंजाइश है। मलिक सखावत ने कहा कि जो समरियाल मोड़ के करीब पीटीआई के जिले सदर के भाई जमशेद असलम चीमा का दो कनाल 5 मरला जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, हम बार एसोसिएशन समरियाल की जानिब से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को चंद नासिर, जिनसे शायद अपनी इज्जत संभाली नहीं जा रही, वो इस्तेमाल करके लोगों की जायदादों पर रात के अंधेरे में शबे खून मार रहे हैं। उन्होंने शेख अताउल्ला की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की, इनके पास ना कोई अदालत का आर्डर था ना कोई कब्जा करने का अख्तियार। समरियाल बार की तरफ से मैं ये शेख बरादरान को यकीन दिलाता हूँ कि बार एसोसिएशन समरियाल के इस प्लेटफॉर्म को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना बार इसकी बात की इजाज़त देती है कि वो शबे खून मार कर लोगों की जायदादों पर कब्जा करें। और ये जो समझते हैं कि हम इक्तदार में मौजूद हैं और पीटीआई की जिला सियालकोट की सदारत हमारे पास है, ये इनकी खाम ख्याली है। वो किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकते। सदर बार एसोसिएशन जाहिद आलम भट्टी ने कहा कि हम मलिक सहावत एडवोकेट के अल्फाज के मुकम्मल तौर पर तायद करते हैं और हम ऐसे अनासिर से बार एसोसिएशन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम सिर्फ हक और सच के साथ खड़े हैं।